हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट के लिए और मैं बताऊंगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। अभी रिसेंट प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरा जो वन प्लस का फोन था, वन प्लस 8T है मेरे पास, वो इसने गिफ्ट किया था मुझे। और इसने मुझे पता नहीं किस टाइम में वो मेरे को गिफ्ट किया था कि अभी 3-4 महीने वो हाथ से छूट गया, टूट गया, कोई बात नहीं, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको वो सब चीज़ें, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि वो सब हमने सफर किया, अब हमने सोचा कि यार उसका कैमरा चेंज कराते हैं क्योंकि उसकी कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी बेकार लग रही थी और मैडम को उसी से ब्लॉक करना होता है वो इसको, जो भी मैं कैनन के DSLR से शूट कर रहा हूँ ये इसके लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को काफ़ी कॉल करने पड़ गए यार वन प्लस के सर्विस सेंटर इधर उधर, लेकिन किसी के पास एक सिंगल फ्रंट कैमरा नहीं है। तो यार मेरे को लगता है कि जो चाइना का माल है ना, सच में इतना घटिया है, और आई वुडंट सजेस्ट कि कोई भी बंदा वन प्लस या ये सब चाइनीज़ फ़ोन ले। मैंने सैमसंग का पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, सैमसंग का जब मैंने फ़ोन में प्रॉब्लम आई थी मेरे में लास्ट, तो मैं सर्विस सेंटर गया, जितनी देर के लिए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहा उतनी देर उन्होंने मेरे को एक सेपरेट फ़ोन दिया अलग से कि आप इसको चला सकते हैं, आपका सिम ऑफ नहीं रहेगा, और एक घंटा लिया था उन्होंने हार्डली। फिर उसके बाद मैं एक बार और गया था किसी और फ्रेंड के फ़ोन के लिए, वो भी उन्होंने मॉर्निंग में लिया था हमसे 11 बजे करीब, शाम को 7 बजे तक करके दे दिया था। इससे बड़ी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो मैं कभी, प्लीज़ याद रखना, वन प्लस वगैरह मत लेना, आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। और एक कैमरा कंपोनेंट यार, कुछ कंपोनेंट्स तो आप लोग रख सकते हो ना छोटे मोटे, तो कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एटलीस्ट सर्विस सेंटर के पास होने चाहिए, जो कि उनके पास नहीं है, जिस वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब देखते हैं हम लोग कैसे इसे रिपेयर करेंगे। मैं तो कंफर्टेबल हूँ इसलिए मैं DSLR से भी शूट कर लेता हूँ, लेकिन इसी को प्रॉब्लम आती है, वरना मेरे को ज़रूरत नहीं थी। ये पूरी की पूरी लिस्ट है वन प्लस के सर्विस सेंटर्स की, आप चेक कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। इसमें जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का साइन दिख रहा है, खाली ये कॉल पिक हुई है, और ये भी क्या है कि 1 सेकंड के लिए कॉल उठाई है और काट दी गई है। तो ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं उठाता है फ़ोन, सरकारी बैंक की तरह बड़ी मुश्किल से जाके कॉल कनेक्ट होगी। देखता हूँ मैं, कम से कम आधा घंटा तो मेरा वेस्ट होने वाला है। तो अभी निकलने की प्लानिंग हो रही है क्योंकि हमें सर्विस सेंटर जाना है, देखते हैं कौन से वाले पे। एक दो जगह फ़ोन मिलाई थी, एक बंदे ने उठा लिया था, उसने फाइनली उठाया तो उससे पूछा, उसने भी बोला सर अवेलेबल नहीं है, दिस दैट। उसके बाद फिर अभी देखते हैं, एक जगह पे जा रहे हैं हम, अगर वहाँ पे मिल पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं कि अब क्या करेंगे नेक्स्ट। तो निकलते हैं और मिलते हैं आपसे वीडियो में आगे। सो गाइस, कितने दिनों बाद आप लोगों से मैं ऐसे बात कर रही हूँ। एक्चुअली तुषार जो है वो तो DSLR से व्लॉग कर रहे हैं, बट मुझे वो पकड़ने में बहुत अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि बहुत हैवी है वो, तो मैंने सोचा मैं इसी से ही व्लॉग कर लेती हूँ और आप लोग को समझ भी आ जाएगा कि इशू क्या है। अब आप देख सकते हो मेरा फेस और बैकग्राउंड ये सब कितना ब्लरी ब्लरी सा आ रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम हमें फेस हुई है इस कैमरा के साथ, तो वो हमें अभी चेंज कराना है। बाय द वे, मैंने तीज के लिए मेहंदी लगवाई थी, अब तो निकल गई है क्योंकि आई थिंक दूसरा संडे आ चुका है इसलिए, और आज मैंने विंग लाइनर भी ट्राई किया है फाइनली आफ्टर एजेस। पता नहीं ये वाला ठीक लग गया, बट ये वाला थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया है। और इसने यूट्यूब के लिए अपना ही DSLR खरीदा था जो कि कबर्ड में ऐसे ही पड़ा रहता है बेचारा। मैं तो इसे यूज कर लेता हूँ कभी कभार, ये यूज भी नहीं कर पाती है। नहीं, यूज कर पाती हूँ मैं, पर प्रॉब्लम ये होती है मैं उससे व्लॉगिंग नहीं कर सकती, उससे मैं सिट डाउन वीडियोस बना लेती हूँ। निक्के निक्के हाथों से चलाने में दिक्कत होती है। नहीं, बड़े हाथ है मेरे, बट मुझे पकड़ने में प्रॉब्लम होती है यार, इतना हैवी कैमरा कैसे पकड़ेगा कोई, हाथों में दर्द हो जाएगा। 200-250 ग्राम ही तो है। 200-250 ग्राम तो आपका फोन होगा। खैर, मैंने आज न्यूड लुक रखा है अपना, मतलब लुक का क्या, लिपस्टिक और लाइनर ही लगाया है, बट न्यूड नहीं उड़ा है। आगे कैसे वीडियो बनाएगी, आई डोंट थिंक ये कम से कम 10 दिन से पहले ठीक होगा, क्योंकि मैंने आफ्टर मार्केट भी कॉल करके पूछा है तो उन लोगों के पास किसी, वो कह रहे हैं कि सर्विस सेंटर में माल नहीं है सर, हमारे पास कहाँ से होगा, और सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि 15 दिन के लिए छोड़ दो। तो फिर अब हम ऐसा बनाएंगे कि एक टाइम पे एक ही बंदा वीडियो में दिखेगा, बैक कैमरा से वीडियो बनाएंगे। और दूसरी बात कह रहे हैं 15 दिन के लिए फोन छोड़ दो, मैं क्या, तुम 1000 रुपए का कैमरा आता है तुम्हारा, तुम खुद ही बता रहे हो, उन्होंने 1000 की कॉस्ट बताई थी, तो 1000 रुपए का कैमरा तुम मंगवा के नहीं रख सकते, मैं 46,000 रुपए का फोन वहाँ पे रख दो तुम्हारे पास 15 दिन के लिए, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है। सो जिस मार्केट में हम जा रहे हैं उसकी क्लिप आपको बढ़िया मिलेगी क्योंकि वो हम अच्छी क्वालिटी के कैमरा से शूट करेंगे, बाकी आपको जब मेरी शक्ल दिखेगी तो वो ऐसी ही दिखेगी, इनकी जब दिखेगी आपको तो ये प्रॉपर कैमरा से शूट करेंगे तो वो होपफुली थोड़ी बेटर हो जाए। तेरी भी अच्छी दिखा दूं मैं सोले कैमरा से। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको मार्केट में पहुंच के मिलती हूँ और आपको पता चलेगा फिर कि हम एक्चुअली कहाँ पे गए हुए हैं। गाइस, इतनी कमकल की है, इसने अपना इंस्टाग्राम खोला और ये बोल रही है कि तुमने मेरा इंस्टाग्राम खोल के चेक किया ना, मेरे अब लाइक नहीं दिख रहे, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, और इसका नेट ऑन नहीं था, इतनी मंद बुद्धि है, मैंने इसके फोन को टच भी नहीं किया। अब चुपचाप जा इसी ये तेरी सजा है, कैश निकाल के ला ATM से। अरे भाई मैं दे रहा हूँ अपने ATM, जा। नहीं नहीं, कैश निकाल के ला, जा, गो एंड गेट द मनी। नो 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 नो, यू गो, गिव मी द कैमरा।
सो गाइस, जो मैंने आपसे कहा था कि मेरी शक्ल आपको गंदे फ्रेम में दिखेगी, मैं उन वर्डिंग्स को वापस लेती हूँ क्योंकि अब मैं इसी कैमरा से शूट करूंगी और उसकी भी क्रेडिट जाता है मेरे को। जी नहीं, उसका क्रेडिट जाता है ट्राइपॉड को। आप इसके इंस्टाग्राम चैनल पे जाके अभी एक रीसेंट रील देख सकते हैं, इसकी बहुत तारीफ करी है मैंने उस रील में। जो रील का आइडिया था वो मेरा था कि कैसे उसको एडिट करना है, क्या उसमें मतलब उसका थीम क्या होगा, वो मैंने प्लान किया था। तो आप इसके इंस्टाग्राम चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम इसके चैनल का लिंक। वहाँ पे वो जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं वो मेरे होते हैं और बाकी जो आपको बोरिंग रील्स लगेंगी वो इसकी होती है। एनीवेज, तो मैंने क्या किया, अभी इस पे ट्राइपॉड लगा दिया है सो दैट ये अपने छोटे छोटे हाथों से निकाल के लाओ पैसे, ताकि अपने छोटे छोटे निक्के निक्के हाथों से इसको पकड़ पाए। यार जाओ ना, जल्दी लाओ पैसे लेकर आओ। और बताओ गाइस, कैसे आप लोग? मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को, ब्लॉगिंग को। और मैंने देखो अपनी नेल पेंट लगाई थी, डोंट माइंड, थोड़ी थोड़ी उखड़ गई है, फालतू बातें चेंज करना है मुझे। क्या इतने दिनों बाद में लाया कैमरा, तो बोलूंगी ना कुछ। तो गाइस, मैं भी एटीएम गया था और आज कई दिनों के बाद, आई थिंक 4-5 महीने के बाद, मैंने 5,000 रूपए इकट्ठे कैश निकाले हैं और मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मतलब बड़ी खुशी वाली फीलिंग आ रही थी, जबकि पैसे तो खर्च करने के लिए निकाले, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था क्योंकि इतने दिनों से ना सब डिजिटली ऑनलाइन गूगल पे वगैरह वगैरह। तो आज नोट देखकर ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या अच्छी सी चीज निकाली, मिठाई मिठाई सी मिल जाती है फाइनली। अब ये मेरा कैश नहीं चुराएगा, मैंने इसका चुरा लिया। मैं चुराता नहीं हूँ, मैं मांगता हूँ ईमानदारी से। ईमानदारी से मैंने भी मांग लिए। तो गाइस, ये रास्ता बहुत सुंदर है लेकिन इस रास्ते की प्रॉब्लम ये है, जब ऑफिस जाना पड़ता है ना तो ये बहुत दूर और बहुत बेकार लगने लगता है, लेकिन अभी पर्सनल काम से जा रहे हैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है। एक बार रास्ता दिखा दे, आपको देख के पता चल गया होगा, गुड़गांव वाला रास्ता है, पहाड़ी वाला। तो आई लव दिस रोड क्योंकि खाली रहता है पूरा और बहुत ही साफ है, ठीक है अपना एकदम नेचर। और हमारे हर ब्लॉग में इसकी 5 मिनट की क्लिप तो होती है, रहेगी इधर घुमा दे। तो ये रोड मुझे अच्छा लगता है जब मैं पर्सनल काम से जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे को टेंशन नहीं ऑफिस जाने की, तो बहुत अच्छा है। मैं रोड दिखाऊंगी, रोड ज्यादा सुंदर है। तो गाइस, आप लोग मेरा चेहरा देख सकते हो, आपको मेरे चेहरे की एक एक चीज क्लियर दिखेगी और यही कारण है कि इसको मुझे पता चला अभी कि यही कारण है ये फोन से क्यों कंफर्टेबल है ब्लॉग बनाने में, क्योंकि कैमरा इसके चेहरे की एक एक सच्चाई से निकाल के बाहर रख देगा। मैं दिखा देती हूँ गाइस, आज देख लो, 300 किलो मेकअप लगा के ये देखो, अच्छा ये देखो, देख लो। और उसके बाद ऊपर से एक नेचुरल और अलग से वो डाल देता है, इफेक्ट डाल देता है स्मूथनेस वाला फोन का कैमरा। आप देखो मेरी शक्ल क्लोजअप में, आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है 300 किलो मेकअप। देखो एक यार मेकअप किया नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक लगाई। देखो जो लड़कियां है ना उनको पता होगा कि मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, सिर्फ लिपस्टिक और लाइनर लगा रखा है, बाकी आप देख सकते हो प्रूफ मैंने दिखा दिया है। ठीक है, हो गया। ऐसे तो किसी का भी हाथ में नहीं आता ऐसे करके, और आता है चलो नेल से करके दिखा दिया, ऐसा नहीं है, वो हट जाता है मेकअप हाथ से ऐसे जोर जोर से करने से, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मुझे तो ये कैमरा ना बहुत भारी लग रहा है ऐसे, तो मैं अपना मेरे मुंह में घुस जाता है ये, बट अब ठीक है। लेकिन आप कमेंट करके बताना वीडियो क्वालिटी इससे अच्छी आ रही है या फिर फोन के कैमरा से। ऑब्वियसली इससे अच्छी आ रही होगी, लेकिन आप क्या रिकमेंड करोगे, इससे ब्लॉग बनाए या फिर फोन के कैमरा से? प्लीज फोन का कैमरा रिकमेंड करना। बाय। तो गाइस, मैं अभी आपको टोल दिखा रहा था, तो ये बोल रही थी जो व्यूअर्स हैं वो बोलेंगे कि इनका कैमरा खराब ही ठीक था। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं बंजारा मार्केट के, और आपने मार्केट देख लिया है, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे। बकवास मत करो, जल्दी चलो, मैं यहीं से कूद जाऊंगी वरना गाड़ी से। तो गाइस, ये मार्केट जो बहुत बढ़ चुकी है, एक बार और आया था मैं, जब भी बहुत बोर हुआ था, आज भी पक्का बहुत बोर होऊंगा। और ये जो मार्केट है वहाँ पे स्टार्ट होती थी, आज ये पीछे तक आ गई है पूरी। तो पहले यहाँ से स्टार्ट होती थी ये मार्केट। कटोरी के साथ कितने की है? ये है कटोरी के साथ 2200 रुपए की, 6 प्लेट 6 कटोरी, 2200 रुपए की 6 प्लेट 6 कटोरी। कुछ मिला? में खाली होगा तो देखेंगे। हाँ, तो हम आ चुके हैं बंजारा मार्केट, रस्ते का माल सस्ते में, लेकिन लग नहीं रहा कि इतने सस्ते में।
कितने रुपए? 2200 रुपए की बोली थी 6 प्लेट। 2200 रुपए की 6 प्लेट थी, तो इतना भी सस्ता नहीं लगा। अब यहाँ तो हो सकता है हम उतने अमीर नहीं हुए, या फिर वो प्लेट सच में महंगी थी। कितने का? कितने का? तीन का, तीन का, तीन का सेट 600 रुपए। क्या लेना भाई, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो क्या भाई साहब? ₹2500 का पेड़। जो मैरी होगी उसके लिए तो ठीक होगा ना, मैरी वो ले सकती है कीरी, वो की टांगने के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, मेरे सोच लगा मैरी नाम मैरी माला माल वीकली हो गया है। तो ये भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे रेट में लगाया है। रेट क्या है वो खुद ही बताएंगे आपको जब आप मार्केट आओगे, तो इन्हीं से ही लेना ये वाले पॉट्स जो है, हमने दो लिया है। इसका और रेट पूछा, इसका तेरा शुभियन स्टाइल का एस मिल गया, ये इतने दिनों से यहाँ था, इतने सारे सब्सक्राइबर के बाद मिला है। इसको अपने तू वहाँ पे टांग सकती है रूम में, मेकअप रूम वगैरह में। हाँ हाँ, ये कितने का है? 200 रुपए का एक। तो गाइस चीज़ें यहाँ पे बहुत ही महंगी हो गई हैं। अभी जाके आयुषी ने एक और आइटम लिया है छोटी सी, और यहाँ पे रेट बहुत ही अमेजिंग हो गए हैं। आई डोंट नो, या तो लोगों को इतनी वीडियोस देखने को मिल गई, क्या मिल गई कि रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। चलो घर चलते हैं, और जो मिल रहा है मुझे लगता है या तो हम बहुत गरीब हो गए हैं, मार्केट बहुत अमीर हो गई है। डन हो चुकी है, एक्चुअली हमें सारी चीज़ें तो नहीं मिली जो चाहिए थी, बट काफ़ी कुछ मिल गया है। हम आपको घर जाके दिखाएंगे, मार्केट जो वो पहले से काफ़ी चेंज हो गई है, बट अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप ढूंढ के बार्गेन करोगे तो आपको पसंद आएगा। बाकी बहुत गर्मी है, शाम के टाइम आना 5-6 बजे करीब तो ज़्यादा ठीक लगेगा। हमने उन्होंने बताया 9 बजे तक खुलती है, हमें पता होता तो हम भी 9 बजे के करीब ही आते, लेकिन अब दोपहर में आ गए हैं तो मज़े ले रहे हैं गर्मी के फूल। तो गाइस गुड़गांव दिल्ली वाले वन प्लस ने हाथ खड़ा कर दिया था सर्विस सेंटर ने, क्योंकि वो 10-15 दिन बोल रहे हैं। तो अभी एक उम्मीद जगी है कि यार फरीदाबाद में भी हमने ढूंढ लिया है, और फरीदाबाद जाके चेकआउट करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि फिजिकल विजिट जो है उससे ज़्यादा काम बनने के चांसेज होते हैं, क्योंकि मैं जाके उनसे नेगोशिएट कर सकता हूँ, नॉट मनी लेकिन पैसे टाइम के लिए बात कर सकता हूँ कि यार आप थोड़े जल्दी दे दो, मैं एडवांस जमा कर देता हूँ। लेट्स सी वहाँ पे जाके कि अगर वो मानेंगे नहीं मानेंगे, तो मैं ट्राई करूंगा कि फोन सबमिट ना करना पड़े, क्योंकि इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो चलते हैं फरीदाबाद के वन प्लस और वहां पे जाके देखते हैं कि कितना टाइम लेंगे। यह है वन प्लस का विशाल स्टोर, विशाल विशाल मेगा मार्ट नहीं, विशाल स्टोर मतलब बड़ा स्टोर।
तो मेरे को लगता ही नहीं मेरे को अपने फोन में सामान निकाल के देना पड़ेगा ताकि किसी और के फोनों में लगा पाए। बाकी देखते हैं जाके यार। तो गाइस सर्विस सेंटर से बाहर आ गए हैं, थोड़ा सा ओपिनियन चेंज हो गया है क्योंकि वो बंदा बहुत बढ़िया था यार। उसने बोला कि एक दो दिन के अंदर हम मंगा लेंगे आपका कंपोनेंट, उसके बाद चेंज कर देंगे, तो जल्दी से हो जाएगा। अब देखते हैं मंडे को आके कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी तक का तो सब जगह से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था। लेट्स सी मंडे को क्या होता है। तो गाइस हम वापस आ चुके थे मार्केट से, आने के बाद हम बहुत थक गए थे तो हम सो गए, और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें वहाँ से लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं था बट ठीक है, जो भी मिला हमें अच्छा सामान मिल गया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, हमने ये दो इंडोर प्लांट्स लिए हैं, एक ये और एक ये। सो ये दोनों हमें 100-100 रुपीज़ ईच के पड़े हैं, काफ़ी प्रिटी है ये। तो इसे और ये ओरिजिनल प्लांट है, इंडोर प्लांट ओरिजिनल। हाँ अच्छा ओके सॉरी मेरे को नहीं पता था। तो ये इंडोर प्लांट है तो इसको हम अपने बेडरूम में लगाएंगे। तो ये चीज़ हो गई पहली। उसके बाद हमने ये दो क्यूट से कप्स लिए थे, ये हमें 50 रुपीज़ ईच के पड़े हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। पेस्टल कलर था तो मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं पेस्टल कलर के कप्स। सो ये भी हमें 50-50 रुपीज़ ईच में पड़े हैं। अब इधर आ जाओ। तो गाइज ये जो है ना, ये मेरे पास ऑलरेडी एक है, ये मैं दूसरा लेकर आई हूँ क्योंकि कहीं पे भी लगाना हो तो दो का सेट होता है तो अच्छा लगता है। ये मैंने अभी फिलहाल अपने ड्रेसिंग टेबल पे एक लगा रखा है, तो ये मैंने दूसरा लिया है। लास्ट टाइम की कंपैरिजन में ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा। कितना एक्सपेंसिव होगी बट लास्ट टाइम के कंपैरिजन में थोड़ा सा। तो ये चीज हो गई। इससे ज्यादा सस्ता तो मुझे ये मिल गया। रेट भी बता दें इसका। मैं बता रही हूँ ना, एक ये सिंगल सस्ता महंगा था और इससे ज्यादा सस्ता मुझे ये दोनों का पैर मिल गया। आप गेस करो कितना हो सकता है। ये अमेजोन पे एक मीडियम साइज, ये जो है ये मीडियम साइज अमेजोन पे 400 रुपीज का अवेलेबल है, और मैंने मीडियम एंड स्मॉल दोनों के दोनों बंजारा मार्केट से 150 रुपीज में लिया है केवल। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। आप इमेजिन कर सकते हो कि सिर्फ 150 रुपीज में मैंने ये दोनों के दोनों ले लिए हैं, और ये अकेला मुझे 100 रुपीज का पड़ा। पर क्योंकि मेरा पैर खराब हो जाता है इसलिए मुझे लेना पड़ा, बट ठीक है कोई बात नहीं। सो ओवरऑल जो हमारी शॉपिंग थी आज की, ये दोनों लाइफ प्लांट्स कप्स और ये दोनों तीनों प्लांटर्स मिला के ओनली 550 रुपीज में हमें ये सब कुछ मिल गया, तो इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। क्यों घूर रहे हो? 550 के प्लांट्स और 500 रुपए का इसने मेरा खून जलाया और पसीना जलाया। ऐसी मार्केटों में जाना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जाना पड़ता है। अमेज़न के बिल आप देते हैं। अमेज़न का बिल मैं क्यों दूंगा, तू दे, तेरे को पसंद है सब। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि इसने मेरा खूब खून जलाया है और खूब गर्मी में मरना पड़ा है। तुमने मेरा खून जलाया है वो अपने OnePlus के स्टोर में ले जाके बेफालतू में बिठा दिया घंटे की, लेकिन वो भी तेरी वजह से था। वो अच्छा हुआ याद दिला दिया। एक और चीज वो भी इसी की वजह से, मेरी वजह से नहीं था खराब, तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ है। तो ये तुम्हारी तुम रीजन थे उस चीज के। खैर मैं कितनी गंदी लग रही हूँ यार, छी। तो वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं कि क्या अच्छा लगा, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर देना प्लीज। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।